8 माह बाद छुट्टी लेकर घर लौट रहे एसएएफ के जवान सचिन चौहान की मंगलवार रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बेड़िया टीआई गोपाल निगवाल ने बताया कि एसएएफ के आरक्षक के पद पर पदस्थ सचिन चौहान मंगलवार को खरगोन से बड़वाह अपनी पत्नी के पास जा रहा था। इस दौरान बेड़िया में एक वाहन से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें उनके सिर पर चोट आई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल अवस्था में इलाज के लिए सनावत सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और आज बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। निधन की सूचना मिलने के बाद खरगोन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह भी मंगलवार रात्रि में सनौर अस्पताल पहुंच गए थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एसएएफ की जो इंदौर की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर खरगोन में है, उसके जो आरक्षक सचिन चौहान थे, वो खरगोन हेडक्वार्टर से बढ़वा जा रहे थे। रास्ते में सड़क दुर्घटना हुई है, उसको हॉस्पिटल लेके आया गया, लेकिन वो बचा नहीं पाए हैं। जो दुर्घटना में जो गाड़ी इन्वॉल्व थी, उनको तो कस्टडी में लिया गया है, बाकी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।